साउथ अफ्रीका का वो कप्तान जिसे कप्तानी छोड़ने को मजबूर किया गया। फैबडू पलेसिस ने जब अपने साले के गेंदों पर शतक ठोक डाला, जिस देश के लिए सब कुछ छोड़ा उसी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक रग्बी प्लेयर कैसे बना क्रिकेटर, अनोखे बैटिंग स्टाइल से खेलने वाला फैबडू पलेसिस गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देता है। दोस्तों, दुनिया में करोड़ों की संख्या में ऐसे युवा है जो क्रिकेटर बनने का सपना देखते हैं और इसे पूरा करने के लिए क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन भी कर लेते हैं। सही मायने में जब कोई युवा लड़का क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट के गुण सीखता है तो उसे पहले क्रिकेट के बेसिक सिखाए जाते हैं, जैसे बैट को पकड़ना, क्रीज पे कैसे खड़े होना है, कुछ ऐसे ही बेसिक सिखाए जाते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज सिखाई जाती है ग्रिप। ग्रिप एक ऐसा शब्द है जो बल्लेबाजी करने के लिए सबसे अहम गुण होता है। एक बल्लेबाज का बैट पर जितनी अच्छी ग्रिप होगी, बल्लेबाज को मैदान के चारों दिशाओं में शॉट लगाने में उतना ही सहूलियत होगी। लेकिन दुनिया में कई ऐसे बल्लेबाज आए और गए जिनके खेलने का स्टाइल और बैट पकड़ने का तरीका काफी आकर्षक रहा है। सचिन तेंदुलकर वो महान क्रिकेटर जो बल्ले को काफी नीचे से पकड़ते थे, और वर्तमान में श्रेयस अय्यर वही कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनका एक हाथ नीचे तो एक ऊपर होता है। इस तरह के ग्रिप पकड़ने से शॉट में पावर जनरेट होता है जिससे गेंद तेजी से बहुत दूर जाती है। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा बल्लेबाज भी है जो बैट की ग्रिप को पकड़ते समय एक हाथ नीचे रखता है तो एक बैट के ऊपर रखता है। उसे देखने के बाद मानो वो बल्ला नहीं कोई तलवार के लिए खड़ा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश चक दे क्लिक्स, और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे क्रिकेटर की जिसका बल्लेबाजी करने का अंदाज निराला है, जो अनोखे तरीके से बैट की ग्रिप पकड़ता है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने देश के लिए सब कुछ छोड़ा और उसी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं फैबडू पलेसिस की। फैबडू पलेसिस का जन्म 13 जुलाई 1984 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ है। उनका पूरा नाम फ्रेंकोई डू प्लेसिस है। उनके पिता फ्रेंकोइस डू प्लेसिस एक रबड़ी प्लेयर थे जो कि 80 के दशक में ट्रांसबॉल की टीम के लिए खेला करते थे, और नामीबिया के रबड़ी प्लेयर मार्शल डू प्लेसिस इनके कजन भाई है। कैफ एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसकी जड़ें स्पोर्ट्स से जुड़ी थी और पाक के रबड़ी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने क्रिकेट खेलना पसंद था। फाफ जब छोटे थे तो वह सिर्फ मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन जब फाफ 16 साल के हुए तो उन्होंने क्रिकेट में करियर बनाने का सोचा। फाफ के लिए क्रिकेट करियर का सफर उनके स्कूली दिनों में शुरू हुआ। जब वो पहली बार स्कूल क्रिकेट टीम का हिस्सा बने, उन्होंने अपनी पढ़ाई अफ्रीकन हाई स्कूल से पूरी की है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ये वही स्कूल है जहां से साउथ अफ्रीका के ही विस्फोटक बल्लेबाज और क्रिकेट के 360 कहे जाने वाले खिलाड़ी एवी डिविलियर्स ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की थी। फाफ और डिविलियर्स अच्छे दोस्त थे। दोनों ने अपनी एज ग्रुप में काफी क्रिकेट खेला है, सफलता भी प्राप्त की है। एक तरफ जहां डिविलियर्स का करियर काफी बुलंदियों पर था, डिविलियर्स ने जब हाई स्कूल पास किया तो उन्हें एज ग्रुप क्रिकेट में जगह मिल गई और बहुत जल्दी साउथ अफ्रीका की सीनियर टीम का भी हिस्सा बन गए। लेकिन उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में जगह नहीं मिली। डिविलियर्स का संघर्ष वर्षों तक जारी रहा। इधर फाफडू प्लेसिस ने जब अपने स्नातक की डिग्री पूरी की तो वो अपने करियर को निखारने के लिए साउथ अफ्रीका छोड़ इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने लिवरपूल की तरफ से क्रिकेट की शुरुआत की। फाफ ने क्रिकेट के गुण अफ्रीका में ही सीखे थे। जब उन्हें लिवरपूल की तरफ से खेलने को मौका मिला तो उन्होंने अपने शानदार खेल से हर किसी को अचंभित कर दिया। फाफ ने पहले मैच में 200 रन बनाए और अगले दो मैच में 2 शतक ठोक डाले, मतलब 3 मैच में 3 शतक फाफ ने बना दिए थे। अपने इस खेल से उन्होंने कोहराम मचा दिया। हालांकि 2007 का सीजन उनके लिए बुरा साबित हुआ, फिर भी फाफ के बल्लेबाजी करने का अनोखा अंदाज हर किसी को पसंद आया। ज्यादातर बल्लेबाज बैट को बीच से पकड़ते हैं, लेकिन फाफ एक हाथ ऊपर से एक हाथ नीचे रखते हैं। क्रिकेट की भाषा में उन्हें हाई बैक लिफ्ट पोजीशन कहते हैं। अपने इसी अंदाज को उन्होंने आगे भी जारी रखा और उन्हें पहली बार इंग्लैंड की काउंट्री क्रिकेट क्लब में लंकाशायर की तरफ से खेलने का मौका मिल गया। इसके बाद काफ ने काउंट्री की दूसरी टीम नॉटिंगहमशायर की तरफ से खेला। फाफ को एक डील मिली, इसी बीच उन्हें इंग्लैंड की तरफ से एक ऑफर दिया गया कि उन्हें अफ्रीका को पूरी तरह से छोड़कर इंग्लैंड के लिए खेलना होगा। फाफ के दिल में अपने देश के लिए खेलना एक सपना था, इसलिए उन्होंने इस डील को ठुकरा दिया। फाफ को इसी बीच काफी इंतजार करना पड़ा, लेकिन अफ्रीका की तरफ से कोई मौका नहीं मिल रहा था। तभी एक दिन उन्हें फिर से लंकाशायर की तरफ से ऑफर मिला, जिसके दौरान फाफ ने 6 महीने इंग्लैंड की
काउंटर क्रिकेट खेली तो 6 महीने साउथ अफ्रीका के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेली। ऐसे 2 सालों तक चलता रहा। पॉप इन बीच रनों का अंबार लगा चुके थे, लेकिन अफ्रीकी सेलेक्टरों के कान में जू तक नहीं रेंगी। पाप डू प्लेसिस काउंट्री की भट्टी में तपकर वापस देश लौटे तो साल 2010 में उन्हें साउथ अफ्रीका की टीम ए और टाइनसन के लिए खेलने का मौका मिला। उन्होंने अपने खेल का ऐसा करिश्मा दिखाया कि सेलेक्टर इस बार नजरअंदाज नहीं कर पाए। आखिरकार 5 फुट 10 इंच के पाप डू प्लेसिस के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दरवाजे खुल ही गए। 18 जनवरी 2011 वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया। अपने पहले ही मैच शानदार अर्धशतक ठोक 60 रन बनाए। उस सीरीज में उन्होंने अच्छा खेल दिया, जिसे सेलेक्टरों ने उन्हें उसी साल भारत में होने वाले विश्व कप टूर्नामेंट में अफ्रीकी टीम में जगह दे दी। पाप ने टूर्नामेंट में कई अच्छी पारियां खेली, लेकिन जब क्वार्टर फाइनल भारत हारकर साउथ अफ्रीका खेल से बाहर हो गया तो पाप के लिए मुसीबत का दिन बन गया। इस मैच में पाप ने डिविलियर्स को रन आउट करा दिया था। टीम और लोगों में इतना गुस्सा था कि उनको और उनकी पत्नी को जान से मारने की धमकी तक मिली, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। साल 2012 की आईपीएल में सीएसके के पाप डू प्लेसिस को अपने साथ जोड़ा, जहां उन्होंने कई लाजवाब पारियां खेली। उनके इस प्रदर्शन का शोर साउथ अफ्रीका में सुना गया। वहीं 22 नवंबर 2012 को पाप पहली बार सफेद जर्सी में नजर आए, जब उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में चुना गया और उन्होंने एडिलेड में अपना पहला टेस्ट खेला। पहले ही टेस्ट की दूसरी पारी में 110 रन की शतकीय पारी खेली। उनके इस खेल से साउथ अफ्रीका हारते बच गया। पाप की लाजवाब पारी की चर्चा चारों तरफ होने लगी, उनके खेल की सराहना होने लगी। पाप अब पूरी तरफ से क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में परिपक्व हो चुके थे। पाप टीम में देर आए लेकिन दुरुस्त आए। इस साल उन्हें T20 का कप्तान बनाया गया। इसके बाद पाप को टेस्ट और वनडे दोनों की कप्तानी मिली। पाप ने अपने खेल से निराश नहीं किया, लेकिन उन पर 2 बार बॉल टैंपरिंग के आरोप लगे, जिससे उनकी छवि खूब खराब हुई। एक खिलाड़ी के जीवन में कई ऐसे उतार चढ़ाव दिन आते हैं जिन्हें वो याद करना भी नहीं चाहता। दोस्तों, दाएं हाथ के पाप डू प्लेसिस के क्रिकेट करियर पर एक नजर डाल लेते हैं। 29 टेस्ट 87 वनडे खेलने वाले पाप ने दोनों में तकरीबन 5,000 रन बनाए हैं। अपने 10 साल के आईपीएल करियर में पाप ने 116 मैचों में 3,403 रन बनाए हैं। पाप डू प्लेसिस इस बार आईपीएल में सीएसके की तरफ से खेलेंगे या धोनी की जगह पाप कप्तानी करेंगे? आप हमें अपनी राय वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इंटरेस्टिंग वीडियो और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक और खिलाड़ी की जीवनी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अभी दीजिए इजाजत, धन्यवाद।